एक दिन मैंने वचन पढ़ा, धन्य हो तुम जब मेरे कारण तुम्हें सताएं, झूठ बोले तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए तरह तरह की बातें करें। यह वचन मैंने पढ़ा, उसी दिन मैंने किसी को सुसमाचार बताया और मुझे चमाट लगी, कीच के चमाट मारा उस आदमी ने मुझे, पुरानी बात है, ठक करके इतना जोर से मेरे कान में आवाज आई, सू होता था ना कभी कभी आवाज आती थी, ऐसी चमाट मारी उन्होंने मुझे, मैं नया नया था। आपको पता है अगर मैंने उस दिन ये वचन नहीं पढ़ा होता ना कि धन्य हो तुम जब मेरे कारण सताए जाओ, उस दिन मैं यीशु को ही छोड़ देता। मैं बोलता यार क्या बात है, जब ही नहीं थे तो इज्जत मिलती थी, जब से तेरे पे विश्वास किया गालियां मिल रही हैं। लेकिन उस दिन मैंने ये वचन पढ़ा था, यीशु ने कहा धन्य हो तुम जब मेरे कारण सताए जाओ, जैसे चमाट लगी ना वचन याद आ गया, तुझे पता है मैंने तेरे लिए कल ही भविष्यवाणी की थी, तू मार खाएगा। यस लॉर्ड थैंक यू। वचन आपकी बुनियाद होनी चाहिए। 5-5 साल हो गए हैं लोगों को, 10-10 साल, एक बार पुराना और नया नियम नहीं पढ़ा है, कैसे जिंदगी है हमारी। एक बार मैंने खड़े होकर कहा हबक्कू की किताब खोलो, क्या हम तो बाइबल लाए, अरे बाइबल में ही है। आपकी बुनियाद वचन होना चाहिए, लेट द वर्ड ऑफ गॉड विल बी फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ। आप जानते हैं, यहां देखिए, इसराइल के लोगों को कहा गया जब तुम वहां पर जाओ हर एक को निकाल दो, क्योंकि खुदा जानता था किसे भी पवित्र आत्मा नहीं है, सब लोग उनसे प्रेरणा पाके भटक जाएंगे। लेकिन आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी, खुदा ने अपने बेटे को सबसे अलग नहीं रखा, सबके बीच में रखा, क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम भी ऐसे ही हैं। आपको पता है परमेश्वर ने हमें अन्य जाति के साथ क्यों रखा है? आपके घर के पास में नॉन बिलीवर रहता है, क्यों खुदा ने आपको पवित्र आत्मा दिया है? ताकि आप उनके बीच में जीसस को प्रेजेंट कर पाए कि वो कौन है। दिस इज योर कॉलिंग, ये तुम्हारा बुलाहट है। पास्टर और प्रचारक बनने की कोशिश मत करो, पहले ये करो। खुदा ने चाहा तो वो तुम्हें वो भी देगा, लेकिन सबसे पहले आपकी सेवकाई होनी चाहिए, लोगों के बीच में जीसस शो करना, यीशु को दिखाना। एक भाई ने गंभीर आरोप लगाया हम लोगों के ऊपर, बोलते हैं बाइबल करप्ट है, बाइबल झूठी किताब है, ऐसे बोल रहे थे इनकी बाइबल में इनका खुदा थक जाता है। बोलता है खुदा कभी थकता है क्या? लेकिन इनका खुदा थक जाता है, इसलिए आराम करता है। कोई था सरफिरा, उसने वीडियो बनाई कि इनका खुदा थक जाता है, प्रभु ने 6 दिन काम किया, 7वें दिन विश्राम किया। मैंने जब ये वीडियो देखा, जब मैंने उस भाई को सुना, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा प्रभु ये लोग आपको जानते ही नहीं है। फिर मुझे लगा कि मैं इस बारे में प्रीच करूं कभी, और मैंने अपने चर्च में ये बात सिखाई। आप ध्यान दीजिए, खुदा ने 6 दिन काम किया, 7वें दिन विश्राम किया। ये विश्राम वो नहीं है, ये वो विश्राम नहीं है। कुछ लोग को लगता है विश्राम का मतलब परमेश्वर सारा काम करके आराम से सो गया, चलो आज संडे है, आज संडे है। नो, जब परमेश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि बनाई, 7वें दिन विश्राम किया, इस बीच में कुछ किया है उसने, बताओ क्या? उसने आदम बनाया। जब उसने देखा मेरा प्रेजेंट करने वाला आ गया, वो आराम करने लग गया। ये वो बंदा है जो सबको बताएगा मैं कौन हूं। लेकिन आपने देखा आदम पाप में गिर गया, उसके बाद नए नियम में यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा पिता भी काम करता है, मैं भी काम करता हूं। अरे पिता तो आराम कर रहा था। नहीं, जब से आदम पाप में गिरा है उसके बाद मेरे बाप ने कभी आराम नहीं किया है। याद रखिए, जो लोग अपने लाइफ में जीसस को राइटली प्रेजेंट करते हैं वो परमेश्वर को विश्राम देते हैं। यू शुड अंडरस्टैंड, क्या आपको देख के परमेश्वर कह सकता है अब मुझे सामने आने की जरूरत नहीं है, ये लेकर आएगा। दैट इज मिनिस्ट्री। ये तुम्हारी बुलाहट है। मेरी बुलाहट क्या है पास्टर जी, मुझे बताओ। कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं मैं उनके सर पे हाथ रख के कहूं तू भविष्यवक्ता बनेगा, तू प्रचारक बनेगा। मैं एक बार एक जगह पे गया, एक बहन ने अपना छोटा बच्चा 4 दिन का मेरे को हाथ में देके कहा पास्टर जी इसके लिए प्रार्थना कर दो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे। मैंने हाथ में उठाया, मैंने पूछा इसका नाम क्या है? बोला भविष्यवक्ता योएल। हाँ, ये बच्चे का नाम क्या है?
भविष्यवक्ता योएल, मैंने बोला उस बच्चे को, मैंने कहा और क्या चाहिए, हम आज भी धक्के खा रहे हैं, तू चार दिन में भविष्यवक्ता भी बन गया। आजकल ना मैन मेड मिनिस्ट्रियां बहुत है, सेल्फ मेड, जो जिसको अच्छा लगता है वो करता है। मैं पास्टर, मैं अपोस्टल, मैं भविष्यवक्ता, मैं ये, मैं वो। खुदा ने कहा है तुम्हें, परमेश्वर ने कहा था, चार लोगों ने मेरे ऊपर प्रोफेसी की थी, प्रभु ने मुझे पता है क्या कहा, चारों गलत बोल रहे हैं। एक ने मेरे ऊपर हाथ रख के कहा, सूरज भाई प्रभु कहता है अपना काम छोड़ मिनिस्ट्री में आ। मैंने मीटिंग के बाद उनको बोला, ब्रदर मैं छोड़ने के लिए तैयार है, मेरा खर्चा है बहुत, आप मेरे को वो दे दो। बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, काम भी करो। सुनिए यहां देखिए, कुछ लोग भविष्यवाणी आपको प्रभु के अनुसार नहीं करते हैं, वो आपके ज्ञान पे इंप्रेस हो जाते हैं। समझिए, दास अंकल यहां पर आए और उन्होंने अमेजिंग प्रीच किया और मैंने दास अंकल के ऊपर एक प्रोफेसी कर दी। जरूरी नहीं है कि मुझे ये खुदा ने कहा, मैं उन पे इंप्रेस भी हो जाए। संभालिए, जब तक खुदा चार बार नहीं कहे ना, किसी को मत बोलो। परमेश्वर तुमको पुश करना चाहिए। आपने देखा है मैं जल्दी किसी पर हाथ रखता हूं, हार्डली। एक हीलिंग हैंड होता है, वो मैं सबके लिए कर देता हूं, लेकिन जब बात प्रोफेसी की आती है, किसी को बताने की आती है, बहुत सोच समझ के किया करो। अगर वो पूरा नहीं हुआ ना, वो चर्च छोड़ देगा। लोगों के इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहिए। बहुत सारे लोग 1 जनवरी को बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करते हैं, ये होगा वो होगा, देखो कुछ भी पूरा नहीं होता, सब एक्साइटमेंट में बोलना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, उससे परिपूर्ण हो जाओ ताकि आप अपनी बुलाहट को पूरा कर सको। आपकी बुलाहट पहले पास्टर बनना नहीं है, आपकी बुलाहट पहले वर्शिप नहीं है, आपकी पहली बुलाहट है लोगों के बीच में रहकर अपने नेचर के अंदर जीसस शो करना। दैट इज योर मिनिस्ट्री। मैं इस सेवकाई से ज्यादा उस सेवकाई पे ध्यान देता हूं कि जब मैं यहां से निकल रहा हूं, मैं लोगों से व्यवहार कैसे कर रहा हूं। याद रखिए, शब्द बुलाए जाते हैं, एक्शंस कभी बुलाए नहीं जाते, ताकि जो लोग मुझसे मिले वो यीशु से मिल पाए। इससे पहले कि अहमदाबाद यीशु को बादलों पर देखे, उससे पहले अहमदाबाद यीशु को हम में देख पाए। आमेन, आमेन। कहिए अपने बाजू वाले को, ये आपकी बुलाहट है, दिस इज योर कॉलिंग। यस, कहिए प्रभु ने हमें अन्य जातियों के बीच में रखा है ताकि वो हमारे द्वारा उन्हें मिल सके। कुछ आप समझे, उसने उन्हें नासरत में रखा। दिस इज योर कॉलिंग। बोलिए, क्रूस पहनना नहीं है, क्रूस उठाना है। आजकल क्रूस पहनना फैशन बन गया, इधर क्रॉस, इधर टैटो छपवाएंगे क्रॉस का। क्रूस पहनना नहीं है, क्रूस उठाना है। क्रूस पहनना इज नॉट अ क्रिश्चियनिटी, ब्रिंगिंग द क्रॉस इज अ क्रिश्चियनिटी। जब भी आप जीवन जी रहे हैं, अपना क्रूस उठाओ। बहुत बार क्या होता है, जब आप क्रूस उठाते हो, कोई आपको बोलता है तू ऐसा है, क्या बोला, हाँ अरे ओए क्या क्या बोला। कुछ लोगों ने अपना लकड़ी छोड़ दिया है, इधर लकड़ी पहन लिए। कुछ लोगों ने क्या किया है, अपना क्रूस छोड़ दिया, बार बार छोड़ देते। कुछ बहनें क्रूस उठाती हैं, आंटी हाँ टमाटर कितने का लिया बताती, क्या हुआ टमाटर कितने का लेकर आए, टमाटर 20 रुपया किलो, किधर से लिया, हाँ हाँ वो तो बताती हूँ, और बता सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, कल तो बैंक जा रही थी, मैंने देखा पैसे ज़्यादा आ गए हैं क्या तुम लोग के पास, नहीं नहीं मैं तो एक्चुअली वो 2000 के नोट बंद हो गए ना, तो हम लोग थोड़ा चेंज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, नहीं चलते तो मेरे को देते, मैं चला दूंगी। अच्छा अच्छा और आंटी आपके सब ठीक है, 1.5-2 घंटे हो गए खड़े खड़े, पैर में दर्द होगा, अभी आंटी अपने पैरों को ताकत देगी ऐसे खड़े होके कि खड़ा हो जा, यू नो बहुत लोग थक जाते हैं उसके बाद ऐसे खड़े हो जाते हैं पैर को पैर पकड़ के, 3-4 घंटे हो गए मस्त गप्पे मार दिए, चलो ठीक है
कुछ लोग हैं ना, दिन में कम से कम 25 बार क्रूस नीचे उतार के रख देते हैं। याद देखिए, 4 साल पहले परमेश्वर ने मुझे एक रहमा दिया था। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ले पाएंगे इसे। 4 years ago खुदा ने मुझे एक रहमा दिया था, उसके मुंह से निकला गया वचन दिल में आया था। मुझे खुदा ने कहा, व्हेन अ डे कम, उस दिन जिस दिन तू क्रूस को साइड में रखेगा, माय पावर विल लीव यू। अगर आपने क्रूस को साइड में रखा, द पावर ऑफ गॉड विल लीव यू। परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर नहीं रहेगी। परमेश्वर आपको नहीं, क्रूस को जानता है। When you leave your cross, जब तू अपने क्रूस को छोड़ देगा, my power will leave you। आप चाहते हो कि परमेश्वर की सामर्थ सदैव आपके ऊपर बनी रहे, उसका अभिषेक आप पे बना रहे। प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के उसके साथ चलना सीखो। और आपको पता है, क्रूस उठाने वाले बहुत कम बोलते हैं। They speak very less। जो क्रूस नहीं उठाते ना, वो बहुत बोलते रहते हैं। ये साइन है। चलो, पास्टर्स मीटिंग चालू हो गई है। मैं फिर से कहता हूं, क्रूस उठाने वाले सदैव कम बोलते हैं। उनका बोलना बहुत कम होता है। वो 4 लाइन को 1 लाइन में बोल के सिम खत्म कर देते हैं। आप उनको कभी भी लड़ते झगड़ते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि वे अपने उद्धारकर्ता के पीछे चलने में बड़े व्यस्त होते हैं। लेकिन जिन लोगों ने क्रूस छोड़ दिया है, आप उनके ऊपर परमेश्वर की कोई सामर्थ नहीं देखोगे। आपने देखा, जब यीशु गस्मनी में मरने के लिए जा रहा था, क्रूस पर चढ़ने के लिए जा रहा था, उसे 3 बार कहा, हे पिता ये प्याला हटा, तेरी इच्छा पूरी हो। फिर भी आपने देखा, लास्ट में उसकी प्रार्थना उसके ऊपर सामर्थ लेके आई। लिखा है, एक स्वर्गदूत उतरा, उसने उसको सामर्थ दी। परमेश्वर सदैव क्रूस पर चढ़ने के लिए लोगों को सामर्थ देता है। अगर हो सके तो अपने घर जाके अपनी डायरी में नोट डाउन कीजिएगा, अगर मैं क्रूस छोड़ दूंगा, खुदा की सामर्थ मुझे छोड़ देगी। आमेन। यस, आमेन। क्यों खुदा ने आपको पवित्र आत्मा दिया है? ताकि हम जीसस को राइटली प्रेजेंट कर पाए, अपने नेचर के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा। आपको, आप मुझे और 5 मिनट दे सकते हैं, मैं कुछ और भी एक्सप्लेन कर दूं। जस्ट 5 मिनट्स। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। क्यों? ताकि तुम मेरे गवाह ठहरो। जिस समय जीसस क्रॉस पे था, आपने देखा उसकी मौत के बाद एक आदमी घुटनों पर आया और कहता है, मैं निश्चय जानता हूं कि यह मनुष्य धर्मी था। ऐसा क्या देखा? क्योंकि जीसस प्रचार नहीं कर रहा था, वो चुप था, मार खा रहा था। आप जानते हैं, उस व्यक्ति ने यह देखा था कि जब लोग क्रूस पे चढ़ाए जाते हैं ना, जब उनको कीले लगते हैं, लोग उस समय अपने मुंह से गालियां निकालते हैं, श्राप देते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, तरह तरह की गंदी बातें बोलते हैं उनके लिए जो उनको मार रहा है, गंदी गालियां देते हैं। लेकिन पहली बार उस बंदे ने एक ऐसा व्यक्ति देखा जिसे वो मार रहा था, पर वो चुप था, शांत। उसे अपनी आंखों से देखा, वो साइलेंट था, कुछ नहीं कह रहा था, खुदा को देख रहा था। मरते मरते भी अपने स्वभाव के द्वारा वो एक आत्मा को बचा के गया। That is Christianity. मरते मरते भी। Yeah, come on, give a good clap for the Lord. वो उसको वॉच कर रहा था, वो उसको देख रहा था। यार, ना गाली निकाल रहा है, ना कर्स कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, चुपचाप से मार कर खा रहा है। और उसने सब सुना था, ये क्या क्या बोल रहा है। अंत में कैसे वो सबको माफ करके गया, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और अंत में वो घुटनों पे आके कहता है, मैं जानता हूं ये खुदा का बेटा है। इसे कहते हैं गवाह बनना, इसे कहते हैं अपने कैरेक्टर के थ्रू लोगों को जीतना। आज मैं आपको जाने से पहले एक बात बोलना चाहता हूं, प्लीज, अगर किसी को बुरा लग रहा है ना, आई एम सो सॉरी।
लोग चमत्कार देखकर आजकल चर्च में आते हैं, मसीहों के गंदे स्वभाव को देख के चर्च छोड़ के चले जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे वचन को सुन के किसी चर्च में आते हैं बेचारे, और कभी कभी हमारे गंदे स्वभाव को देखकर वो डिसाइड करते हैं हमें चर्च जाना ही नहीं, क्योंकि उनके साथ लोग रूढ़ चलते हैं। हमने जीसस को रॉन्गली रिप्रेजेंट किया, गलत तरीके से प्रेजेंट किया है हमने। मेरा एक दोस्त है, अंधेरी में रहता है, अभी वो हमारे चर्च में आता है। पहले वो विरार में रहता था, बॉम्बे से थोड़ा आगे विरार नाम की प्लेस है, मैं भी एक सवा महीना पहले वहाँ गया था। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे पूछा कि तू जीसस को फॉलो करता है? मैंने कहा हाँ। तो बोलता है क्या होता है ये सब? तो मैंने उसको बताया कि हम पापी हैं, यीशु हमारे लिए मरा, हम इस बात पे बिलीव करते हैं, हमें नई जिंदगी मिली है, हमने नजात पाई है। तो उसने बोला चल ठीक है, मैं भी जाके देखता हूँ। तो मैंने उसको बोला तू विरार से अंधेरी आएगा, 2-2.25 घंटा जाएगा, इससे अच्छा है तो वहीं पर कोई चर्च ज्वाइन कर। उसने बोला ठीक है। तो एक चर्च में गया, चर्च से होके आया, 10 दिन तक फोन नहीं उठा रहा था। 11वें दिन मैंने कॉल किया, फोन उठाया। मैंने बोला विजय तू है किधर? बोलता है सूरज भाई मैं ठीक हूं, थोड़ा मन खराब था मेरा। मैंने बोला क्यों? बोला यार आपने कहां भेजा मुझे, मैं डिस्टर्ब हो गया हूं। पता है क्यों? जिस चर्च में वो गया था, अब उस बेचारे को कुछ भी नहीं पता है, बाइबल लेके ही नहीं गया था, अब उसको है ही नहीं बाइबल, वो तो बेचारा सुनने के लिए गया। वहां पर गया, एक एल्डर ने उसको बोला बाइबल किधर है? तो उन्होंने बोला मैं नया नया आया हूं। तो उन्होंने उसको बाइबल दिया और कहता है अगली बार आएगा ना तो उसको लेके आना, ऐसे मत आना। एक नए आदमी से आप इतना रूडली बात कर रहे हो, वो चर्च आएगा आपके? तुमको 10-10 साल हो गया है, तुम्हें बदलाव नहीं आया है, और तुम एक दिन के आए हुए व्यक्ति को उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारी बात को मानेगा? मुझे बोलता है बेहतर, उन्होंने इतना कड़वे तरीके से मुझसे बात किया, अगली बार आएगा ना तो ऐसे लेके आने का, ऐसे। मैंने बोला काम कर, आई एम सो सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, मैं तेरे को ढूंढ के देता था कोई अच्छा वाला। बोला ब्रदर आप आपके पास आ जाऊंगा मैं, मेरे को चलेगा, 2.5 घंटा में, 5 घंटा में ट्रेवल करेगा, मेरे को चलेगा। अभी वो आता है, 5-6 महीने से वो कंटिन्यू अभी हमारे है। आप बिलीव कीजिए, चर्च में वर्शिप होती है, नाचता है, डांस करता है। उस दिन है ना वो अपना अलग से इंस्ट्रूमेंट लेके आया था, वो टिकट 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 वर्शिप होती है ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ आपको पता होगा, हाँ ऐसे टिकट 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 डफली की तरह होता है, डफली की तरह, डफली डफली। मैंने उस उसको देखा, उसके हाथ में डफली थी, गाना चल रहा था आराधना हो आत्मा से, ऐसे गा रहा था आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना। पीछे खड़ा था, मैं उसको देख रहा था, इतना एंजॉय कर रहा था वो, इतना एंजॉय कर रहा था। लास्ट में मीटिंग पूरी हुई, मैंने उसको बोला और आज तूने मजा किया? बोलता है ब्रदर मेरा जिंदगी बदल गया। वाओ, आप सोचो, एक आदमी चमत्कार देख के चर्च में आता है, क्रिश्चियंस का बिहेवियर देख के चर्च छोड़ रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारे बीच में उन्हें खुदा मिलना चाहिए, हमारे बीच में उनको यीशु मिलना चाहिए, हमारे बीच में उनको पवित्र आत्मा की परिपूर्णता मिलनी चाहिए। हम पास्टर्स को इतनी ज्यादा मेहनत करनी है, हमें हमारे लाइफ में एक रूल बनाना है, जैसे खुदा ने कहा है ना, ये जमीन तब तक खाना नहीं देगी जब तक पसीना न बहेगा। हमें यह भी बिलीव करना चाहिए, ये किताब भी तब तक रोटी नहीं देगी जब तक इसके ऊपर पसीना नहीं बहेगा, है ना? कहिए अपने बाजू वाले को बहुत मेहनत करनी है, बोलो बाजू वाले को बहुत मेहनत करनी है। मैं अपने चर्च में कभी नहीं बोलता हूँ मेरा पीछा करो, क्योंकि मैं बहुत सारी जगहों पे गलत हूँ, लेकिन मैं अपने चर्च में हमेशा एक बात कहता हूँ, इनके सामने बोलता हूँ, मैं अपने चर्च में हमेशा कहता हूँ तुम्हें वैसी ही मेहनत करनी है जैसी मेहनत तुमने मुझे करते हुए देखी है। आप पूछो, मैं इनको बोलता हूँ तुम्हें उतना ही हार्डवर्क करना है खुदा में बढ़ने के लिए जितना हार्डवर्क तुमने मुझे करते हुए देखा है। आई एम सो सॉरी, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ अपनी, हाँ आई एम जस्ट सेटिंग अ एग्जाम्पल। अगर आपको लगता है नहीं 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 सब कुछ प्रभु का अनुग्रह से आता है, ब्रदर अनुग्रह भी उनके हाथों में आता है जो हाथ फैलाते हैं। अगर आपको यह वचन नहीं पता है तो घर जाके पढ़ लेना, यह 9 अध्याय में, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो पर उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो खुदा तुम्हें देगा। जीसस ने कहा है परिश्रम करो, मेहनत करो, सिर्फ फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड मन्ना पे डिपेंड मत रहो, पास्टर देगा वही खाऊंगा, तुम्हें खुद मेहनत करनी चाहिए खुदा से पाने के लिए।
आजकल बहुत लोग का मालूम है होली स्पिरिट कौन है, बोलो बाजू वाले को, यूट्यूब, बोलो बोलो बाजू वाले को, आजकल बहुत लोग का पवित्र आत्मा यूट्यूब है। उधर जाएंगे, एक पादरी को सुनेंगे, चार पांच पॉइंट्स निकाल के उसको बना के अगले दिन उल्टी करेंगे। तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा यूट्यूब है, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए आज भी वही है जो स्वर्ग से उतरा है, उसके साथ बैठो, बात करो, चलेगा ना। हमारे पास ज्यादा रेवल्यूशन नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारे पास वो होगा जो हमारे खुदा ने हमें दिया है। मैं यूट्यूब के खिलाफ नहीं हूं, आप सबको यूट्यूब पे ही मिले हो मुझे, मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं उन लोगों के बड़ा खिलाफ हूं जो वचन को प्रचार करने से पहले प्रभु के पास नहीं जाते, पहले यूट्यूब पे जाते। तो फिर होली स्पिरिट कब कब उसके पास जाओगी? बोलो यीशु मसीह की। कितने लोगों ने आज कुछ समझा? ओ ब्रदर, दैट्स अ बेस्ट लेसन। चलिए एक कन्फेशन करके हम सब खड़े हो जाएंगे। मेरे पीछे कहिए, अपना दाहिना हाथ उठाइए, कहिए, खुदा ने मुझे इसीलिए बुलाया है ताकि मैं अपने खुदा को प्रेजेंट कर पाऊं। ओहो, दैट इज योर कॉलिंग, ये आपकी बुलाहट है, दैट इज योर कॉलिंग। पास्टर बात में बनेंगे, भविष्यवक्ता बात में बनेंगे, पहले ये बनना है। आमेन। आइए, मैं चाहता हूं हम सब अपने अपने जगहों पे खड़े हो जाएं